धौलपुर जिले में लगातार एक महीने तक खराब रहे मौसम से रबी फसल काफी प्रभावित हुई है। कभी बारिश तो कभी ओलावृष्टि तो कभी तेज हवाओं ने सरसों, गेहूं और आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई है। दो दिन पूर्व धौलपुर जिले में हुई बारिश से रबी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। काश्तकारों ने बताया, सरसों, गेहूं और आलू इन तीनों फसलों को कड़ी मेहनत कर पकाव तक की स्थिति में पहुंचाया था। तीनों फसलों में महंगे खाद, बीज, यूरिया एवं कीटनाशक दवाएं डाली थी। लगभग तीन माह में रबी फसल को पकाव तक की स्थिति में पहुंचाया जाता है, लेकिन करीब एक महीने से धौलपुर जिले में मौसम की मार ऐसी रही जिससे कभी ओलावृष्टि तो कभी बारिश। ओलावृष्टि में सरसों, गेहूं और आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है। काश्तकारों ने कहा, उम्मीद के अनुसार अब फसल में पैदावार की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम एक महीना हो गया, एक महीने से ओले, बरसात, आंधी सी आती है, गेहूं अटकाए थे सारे गिल गए, और तुम्हारे सरसों अटका थे झर गई आलू से, तुम्हारे ओले से, और आलू तो सारा ही खत्म हो गया। आलू के झोरे में पानी भर गया, वो सारा बैठ गया, खत्म हो गया, सड़ गए। तो सरकार से हमारा निवेदन है, कुछ हमारी समस्या का हल करे, कुछ मुआवजे की। एक महीना से बरसात और ओले, आंधी से फसल खराब है गई हमारी। गेहूं बहुत महंगे पड़ रहे हैं, 1500 रुपए इकट्ठा आ रहा, खाद यूरिया लगाए कर नहीं, दवाई देकर बहुत महंगी पड़ रही है। आंधी से पूरी फसल गिर गई, ओले से सरसों जल गई, थाली की थाली सरसों हमारी झर चुकी, और अगर आलू तो हमारी सड़ी गए साहब। अब क्या करे किसान? सरकार हमारे लिए मुआवजे की कुछ सहायता करे। एक महीना के लगभग हो गया, आंधी, कभी ओले, कभी बरसात, गेहूं की फसल तो बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है, और सरसों ओलों से बिल्कुल झड़ चुकी है। अब इस महंगाई के जमाने में खाद बीज बहुत महंगा आता है, अब उसको लगा के बिल्कुल हमें कुछ मिलता नहीं है उसमें। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ मुआवजे की व्यवस्था करें।